जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गोरन चा में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमें चलो पहली बार है तो आप चैनल से जुड़कर घंटी के बेबिट ऑन कर दे, रेल भर्ती पल पल अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों रेल की तरफ से गुड न्यूज निकल आ रही है, जिसमें एलपी टेक्नीशियन 2018-01 उसके दोस्तों एक बोर्ड में प्रोविजनल पैनल नंबर 10 जारी कर दिया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, मैं इसमें आपको सभी डिटेल बताऊंगा किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है और किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुई है। चलो टाइम इन्वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेगुलेशन बोर्ड प्रयागराज है। किस बोर्ड से है दोस्तों? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ये देखो एडिशनल पैनल नंबर 10 फॉर वैकेंसी कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन अंडर 0/1 देयर 18। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखो पोस्ट कोड 14 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 बीट्स इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट है, जो नहीं कट ऑफ गई है 45.89 दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक है दोस्तों 1 लाख प्लस। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों पोस्ट कोड 34 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल और मैकेनिकल। ठीक है दोस्तों इसमें टोटल 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसकी कट ऑफ ओबीसी देखो दोस्तों ओबीसी 63, 63, 62, लेकिन दोस्तों जनरल कैंडिडेट ठीक है दोस्तों ऑल इंडिया रैंक इनकी है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद तो पोस्ट कोड 59 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर इलेक्ट्रिकल। ठीक है दोस्तों जिसमें दोस्तों इसमें कट ऑफ गई है ओबीसी की 46 और एससी की दोस्तों 36। देखो दोस्तों पूरा 10 नंबर का फर्क है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये कट ऑफ है 72 है 100 में से, और वो भी नॉमिनेशन होने के बाद। आप देख सकते हैं एससी की 36 ओबीसी की 40, यानी 50% से भी कम। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों पोस्ट कोड 61 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर इंजीनियर। इसमें टोटल एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनका रोल नंबर ये है ओबीसी है और उनकी जो कट ऑफ गई है 45.00 और जनरल और जो ऑल की ऑल इंडिया रैंक है ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट कोड 66 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वर्कशॉप मैकेनिकल। इन दोस्तों इसमें फिटर वर्कशॉप मैकेनिकल सभी पोस्ट है वर्कशॉप की। इसमें दोस्तों देखो ओबीसी की जो कट ऑफ गया है 46 ओबीसी। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों देखो जनरली कट ऑफ भी 45। ये देखो दोस्तों दोस्तों 100 में से है, वो भी नॉमिनेशन होने के बाद। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों जनरली कट ऑफ 44 ओनली 44.98, 100 में से नॉमिनेशन होने के बाद इतनी कट ऑफ। ये दोस्तों 2018 का है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों एससी 35, 100 में से नॉमिनेशन होने के बाद 35 कट ऑफ गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पोस्ट कोड 100 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मशीन जनरल। टोटल 2 कैंडिडेट सिलेक्शन है, दोनों जनरल कट ऑफ की 61 और 61। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट कोड 134 NCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिंगलर। दोस्तों इसकी कट ऑफ 2018 में जो गई थी 90 प्लस गई थी, लेकिन दोस्तों पैनल नंबर 10 में भी देखो जनरल की 87, ओबीसी की 86 और एससी की दोस्तों 79। दोस्तों आप इनका सोच सकते हैं इतनी हाई कट ऑफ, वो भी पैनल नंबर 10 आने के बाद। दोस्तों ये पोस्ट होती है सिंगलर की, वो होती है 10+2 इंटर पीसीएम वाली। दोस्तों इनकी 100 में से 2018 में जो कट ऑफ गई थी 90 प्लस गई थी, 90 प्लस। ठीक है दोस्तों और आप देख सकते हैं पैनल नंबर 10 आने के बावजूद भी 80 प्लस कट ऑफ है इनकी जनरल की, ओबीसी की 86 और एससी की 79। दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी थी काफी मात्रा में ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों जो ईबी का 14,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों तो आप उसमें सोच सकते हैं जो ईबी कट ऑफ गएगी सिंगलर की, तो दोस्तों 90 प्लस आप मान के ही चले, नहीं 90 प्लस जाएगी जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों हालांकि किसी किसी बोर्ड में 85 प्लस भी रह सकते हैं, लेकिन 90 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। देखो दोस्तों जो रिजल्ट जारी हुआ था नोटिस 56/2024 डेट 30/10/2024 चेयरमैन RRB प्रयागराज। ठीक है दोस्तों अब दोस्तों हम बात करते हैं पैनल नंबर, अभी आपकी ज्वाइनिंग कब होगी।
देखो दोस्तों, ज्वाइनिंग का जो होता है वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है, यानी बोर्ड को जो आवश्यकता अनुसार होगी तो आपको ज्वाइन कर लेगी। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ज्वाइन करेगी? तो दोस्तों, या तो आपके पास एसपी पोस्ट के द्वारा आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ सकते हैं, नहीं तो आपके पास आपकी जो जिमेल आईडी रजिस्टर्ड है, यानी जो आपको फॉर्म फिल करते समय जो आपने जिमेल आईडी आपकी भरी थी, तो आपके उस पर भी आपका ज्वाइन लेटर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये सिर्फ उसी कैंडिडेट को पता चलेगा जिस कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होया है। उस पे या तो स्पीड पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आएगा या फिर जीमेल पे उनकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल से जुड़कर घंटे पे बटन ऑन कर दे, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ज्वाइनिंग से रिलेटेड या कोई भी अदर तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल से जुड़कर घंटे पे बटन ऑन कर दे, जिससे रेलवे भर्ती पल पल की डेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पर मैं सभी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट कराता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।